राष्ट्रीय जनता दल जोड़ने में विश्वास रखती है, तोड़ने में नहीं। हम सिर्फ काम करते हैं, तेजस्वी जी ने कभी नहीं बोला, तेजस्वी जी के काम बोलते हैं, जुबान नहीं बोलते। आप लोग स्वयं ही एक चंक लगाएंगे कि एक था, इरादे साफ है। हम मुद्दे की बात करते हैं, हमारे नेता मुद्दे की बात करते हैं। बहनों की पुकार, सब लोग नौजवानों की पुकार एक ही पुकार है, लाओ तेजस्वी सरकार। एक हमने फिल्म देखी थी, आप सभी लोग ने देखे होंगे, जिसमें हीरो थे अनिल कपूर नायक। वो एक प्लेटफॉर्म पर देखा गया था, एक स्क्रीन पर देखा गया था फिल्म। मेडल और नौकरी पाओ पहले था बिहार में, बताए कोई क्या आंदोलन के तौर पर रखा जाएगा? शायद आपने सुना, संजीदगी, सादगी, समरसता और कार्यों में सर्वमता जिनके स्वभाव में वर्णित है, वैसे नेता के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता है। हम मुद्दे की बात करते हैं, कार्यक्रमों की बात करते हैं, हम उन्माद की बात नहीं करते। आपने शायद 20 में आपने पूरे हमारे टिकट के लीडरों को आपने देखा नहीं, कोई ऐसा प्रकोष्ठ नहीं, कोई ऐसा संगठन हमारा पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं जिससे राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में टिकट नहीं दिया। युवा को भागदारी तो विशेष तौर पर मिली है और मिलेगा, महिलाओं को भागदारी मिले और मिलने वाला आने वाले। बारह तारीख को फ्लोर नोटिस होनी है, वो मामला पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है और सदन के सदस्य लोग वहां उपस्थित हो। सरकार मंत्रिमंडल में विश्वास रखती है, यह प्रस्ताव सरकार लाएगी, तत्पश्चात आसन से सामने निर्णय जाएगा, मतों का विभाजन होगा, उसके बाद कौन होगा हार ना के बीच में, तत्पश्चात जो आंकड़े आएंगे उसके प्रकाशन होंगे, ये पार्लियामेंट के प्रोसीजर होंगे। राष्ट्रीय जनता दल किसी तोड़ फोड़ में विश्वास नहीं रखती, राष्ट्रीय जनता दल जोड़ने में विश्वास रखती है, तोड़ने में नहीं। जोड़ने की नीति राष्ट्रीय जनता दल की है, तोड़ने की नीति भाजपा की है। प्रतिक्रिया आप गांव में चल जाइए, पगडंडियों में चल जाइए, कस्बों में चल जाइए, आपको पता चल जाएगा। हम सिर्फ काम करते हैं, तेजस्वी जी ने कभी नहीं बोला, तेजस्वी जी के काम बोलते हैं, जुबान नहीं बोलते। कोई खेला नहीं होगा सर, मतलब बारह तारीख को खेला तो खेल दिया भाजपा ने, पहले चौबीस को तो बड़ा खेला। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे खेला करेगी कि आप लोग स्वयं ही एक चंक लगाएंगे कि एक था। हमारे इरादे साफ है, हम मुद्दे की बात करते हैं, हमारे नेता मुद्दे की बात करते हैं। हमारा मुद्दा साफ है, बेरोजगारी है, हमारे मुद्दा साफ है क्वालिटी एजुकेशन हो, बेहतर स्वास्थ्य हो, सुरक्षा का इंतजाम हो, शिक्षा स्वास्थ्य और सुरक्षा तीन मेरुदंड है किसी राज्य की। उतना ही नहीं, इन्वेस्टर मीट हुआ, लगभग 50,000 करोड़ से अधिक इन्वेस्टमेंट आया राज्य को, ये सारे सवाल है। उद्यम योजना का जब बोर्ड देख रहा है, वो निर्णय हमारे विभाग, हमारे हिस्से में विभाग, और राष्ट्रीय जनता दल के कोटे में जो विभाग था, एक नई रास्ता पूछना बिहार के हित में, देश के हित। राष्ट्रीय जनता दल युवा साथियों के माध्यम से पंचायत ही नहीं, बहुत स्तर तक ये सारे चीजों को ले जाएगी। पटना के ऐतिहासिक बापू सभागार में कार्यक्रम करने का निर्णय लिया है, आज इसी संबंध में आज ये लोगों ने बैठक बुलाई थी और हम लोग इस बात से पूरी तौर पर खुश भी हैं। राजद का युवा संगठन मजबूती के साथ तेजस्वी जी के संकल्प को उनके पढ़ो राष्ट्रीय जनता दल कहेंगे कलकत्ता फ्रंट फूट पर खेलने के लिए तैयार है। हमारे पास इतने किए हुए 17 महीना में कार्य है कि न देश सामना कर सकता है, न पिछले 17 साल के लोग सामना कर सकते हैं। यह है मोड़ पर राजद का एक कार्यकर्ता जवाब देने के लिए तैयार है। युवा संकल्प, युवा नेतृत्व, बहनों की पुकार, सब लोग नौजवानों की पुकार एक ही पुकार है, लाओ तेजस्वी सरकार।
का खेल नीतियां, आईटी पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, सारे 17 महीने के काल में वो विभाग जो राष्ट्रीय जनता दल के कोटे में था उसने इस लकीर को खींचा है। नेतृत्व तो कल भी किसी का था, नेतृत्व जब हम थे साथ में तो भी किसी का था, लेकिन बाबत ने संकल्प और कर्म, काम करने की इच्छा सकते हमने सब चीजों को प्रत्याग करके हमारे नेता ने सिर्फ अपने पर्णों और संकल्पों को, अपने वचनों को, बिहार में सड़कों पर प्रदर्शन होता था, तेजस्वी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद नौकरियों की बाहर आने के बाद प्रदर्शन और धरने बंद हो गए, 1,35,000 स्वास्थ्य विभाग के अंदर नियुक्ति के लिए अध्याचना के लिए दस्तखत कर दिया, कैबिनेट में मंजूरी के लिए जाना था, पिछले 1.5 महीने से मामले को मंत्री रोक करके रखे, लगभग 1,00,000 तीसरे बेच पर शिक्षक नियुक्ति की बात, आशा और ममता के क्षेत्रों के मानदेय दुगने करने का प्रस्ताव मंत्री के स्तर पर आए, स्वास्थ्य मंत्री डिप्टी सीएम तेजस्वी ने उसको स्वीकृति प्रदान कर दी, कैबिनेट के में जाने का राह जुड़ा, जो रहा था ये देखा, सिर्फ उतना ही नहीं, सवाल वो नहीं, तालीमी मरकज का सवाल हो, आंगनबाड़ी सेवक और सहायिका का, उनके भी मानदेय बढ़ाए गए, टोला सेवक हो या विकास मित्र हो या पंचायत प्रतिनिधि, उनके भी भत्ते में वृद्धि की गई, काम करने का इरादा जिनके अंदर होता है, एक हमने फिल्म देखी थी आप सभी लोग देखे होंगे, इसमें हीरो थे अनिल कपूर नायक, वो एक प्लेटफॉर्म पर देखा गया था, एक स्क्रीन पर देखा गया था फिल्म, लेकिन 17 महीना में उस फिल्म को बिहार की सरजमी पर युवा हित में, आम आदमी के हित में, किसान हित में स्थापित करने का जो संकल्प लिया और पूरा किया, उस व्यक्ति का नाम आदरणीय तेजस्वी यादव, 17 महीने एक मील का पत्थर साबित किया, एक सुनहरा रेखा खींचा, आज देश के अंदर में तेजस्वी के मॉडल को लोग सराह रहे, जो लोग ये कहते थे कि कहता है कि 10,00,000 नौकरी पहली कैबिनेट में दे देगा तो पैसवा कहां से ला देगा, जलवा में से, लेकिन 9 अगस्त को जब हम आए और 15 अगस्त को उसी गाने मैदान में आदरणीय मुख्यमंत्री तेजस्वी जी के मौजूदगी में इस बात को स्वीकार किया कि 10,00,000 नौकरी और 10,00,000 रोजगार बिहार की सरकार देगी, वादे कर दो, पर्ण और संकल्प तेजस्वी जी का, हमारे 115 महागठबंधन के विधायक नीतीश जी मुख्यमंत्री के रूप में पहले भी थे भाजपा के साथ, आज भी शायद चले गए भाजपा ही के साथ, हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं, आदर के भाव कल भी नीतीश जी के प्रति था, आज भी है और कल भी रहेगा, तेजस्वी जी की सादगी, सजगी, सहनशीलता, कार्यों में सार्वभौमता जिनके साथ साथ दिखाई पड़ते हैं भाव के, वो नेता तेजस्वी जी राष्ट्रीय जनता दल को और बिहार को देश को मिले। 28 फरवरी को राष्ट्रीय जनता दल की युवा इकाई एक बड़ा कार्यक्रम, युवा रीढ़ है और देश की 60% जो आबादी है वो युवा है, आज युवा भारत, युवा बिहार की हम परिकल्पना करते हैं। अब देखिए मेडल और नौकरी पाओ पहले था बिहार में, बताए कोई युवा इकाई ने फैसला लिया है कि 28 फरवरी बापू सभागार में राज्य के विभिन्न पंचायत जो अध्यक्ष हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनका एक दिवसीय कार्यक्रम बापू सभागार में करने का निर्णय लिया। राष्ट्रीय जनता दल की युवा इकाई माननीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में आदरणीय जनता जो पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष के कुशल मार्गदर्शन में
ग्राम चौपाल योजना का भी कार्यक्रम चलाया पूरे बिहार के अंदर। संगठन को आम जन का संगठन, आम सरकार का संगठन, आम आदमी का संगठन एवं रजत बने, इसके लिए लगातार ये काम किया। युवा नेतृत्व जयसिंह जी के नेतृत्व में बिहार राष्ट्रीय जनता दल की नीतियां, गांव किसान मजदूर एक टू गेट की परिकल्पना, पर्ण और संकल्प को लेकर करके वो आगे ही नहीं बढ़े। 17 महीने यादव जयसिंह जी के स्वर्णिम काल से बिहार की सरकार के रूप में सामने खुल करके आया। जो लोग ये कहते थे कि ईश्वर के भगवान भी नहीं आ जाएंगे तो भी नियोजित शिक्षकों को राज्य करने का दर्जा नहीं दिया जा सकता, उस मिथ्या को समाप्त किया और 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्य करने का बनने का मार्ग प्रशस्त किया है। आप सभी पत्रकार साथी डिप्टी सीएम आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी नहीं कहा था कि ईश्वर भी आ जाएंगे तो राजकर्मी का दर्जा नहीं दिया जा सकता, लेकिन उस मिथ्या को मिटाया, राजकर्मी का दर्जा मिला। विभाग राष्ट्रीय जनता दल के कोटे में था शिक्षा विभाग, सिर्फ राजकर्मी का दर्जा नहीं बल्कि उनको 3 परीक्षा पास करनी है, समाज परीक्षा। लेकिन एक सवाल सामने आया, कमेटी गठित होगी और उस कमेटी में प्रधान निहित किए जाएंगे कि अगर किसी कारण से कुछ लोग अगर 3 परीक्षा में पास नहीं करते हैं, बाबत भी नियोजित शिक्षक बने रहेंगे, उनको नौकरी से कोई नहीं हटाएगा, इस संकल्प तेजस्वी जी ने सरकार को रखने पर मिली मार्ग प्रशस्त किया। नौकरियों का जो लक्ष्य निर्धारण था, 17 महीना में रिकॉर्ड हमारे शिक्षा विभाग जो राजद कोटे में था, 17 साल पहले भी सरकारें चलाई लोग, 10 साल केंद्र में भी चल रहा है, लेकिन 70 दिन के अंदर में 2,17,000 से अधिक नियुक्ति पत्र बांटे गए, जो गांधी मैदान रैलियों के लिए जाना जाता था, तेजस्वी जी ने उसको नियुक्ति मेला के रूप में सामने ला करके खड़ा किया गांधी मैदान में और लोगों ने नियुक्ति पत्र लिया। क्वालिटी एजुकेशन, स्वास्थ्य में सुधार, जहां कुत्ते और बिल्ली की वीडियो सामने आता था मीडिया भाइयों के साथ के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अस्पतालों में रात में जग कर करके अस्पताल में छापा मारना और अस्पताल में दवाई और डॉक्टर की उपलब्धता पर जोर देना मिशन सृष्टि करना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।